नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना क्यों बेहद ज़रूरी है और आपका आधार लिंक होने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में आपको सही जानकारी मिलती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आधार कार्ड क्या होता है। दोस्तों आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है जिसे हम आधार संख्या कहते हैं। इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें आपके महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे आपका नाम, पता, लिंग और जन्म स्थिति और आपके बायोमेट्रिक निशान जैसे आपकी उंगलियों का निशान और आपके आँखों की पुतलियों का स्कैन इसमें रहता है। दोस्तों आधार कार्ड का उपयोग कई सरकारी योजनाओं और प्राइवेट संस्थाओं में होता है। जैसे आपको बैंक खाता खुलाने में आधार कार्ड का उपयोग होता है, मोबाइल कनेक्शन लेने में आपका आधार कार्ड का उपयोग होता है और अन्य कई सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड का उपयोग होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक करना क्यों बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले यह सरकार की विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। जैसे गैस सब्सिडी, पेंशन और डायरेक्ट बेनिफिट जैसे ट्रांसफ़र आपके सीधे बैंक अकाउंट में किए जा सकते हैं। दोस्तों यह पहचान की पुष्टि करने में भी मदद करता है जिससे फ्रॉड की संभावनाएँ कम होती है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ। दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरा फायदा यह है कि पेंशन एवं सरकारी लाभ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार पेंशन और कुछ अन्य सरकारी लाभ उनको मुआवजे कराती है जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलता है। यह सरकारी लाभ आपके सीधे बैंक अकाउंट में प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों तीसरा फायदा यह है कि जनधन योजना का लाभ। अगर आपका जनधन खाता है तो सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। चौथा फायदा यह है कि तेज और आसान केवाईसी प्रक्रिया। आधार लिंक होने से आपका केवाईसी प्रोसेस काफ़ी तेज और आसान हो जाता है। इसके लिए आपको बार बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ते हैं। दोस्तों पांचवा फायदा यह है कि डिजिटल बैंकिंग और सिक्योरिटी। आधार कार्ड के जरिए बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल तरीके से इस्तेमाल करना अधिक और सुरक्षित हो जाता है जिसमें फ्रॉड की संभावनाएं बहुत कम होती है क्योंकि आपका आधार UIDAI द्वारा वेरीफाई होता है। दोस्तों आधार लिंक होने से आप अपने बैंक अकाउंट के पैसे कहीं भी निकाल सकते हैं किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर अपने बायोमेट्रिक के जरिए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि कैसे आप यह पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, फिर आधार सर्विसेज में जाएं और वहां आधार और बैंक लिंक स्टेटस का विकल्प चुनें। यहां आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP इंटर कर लेने के बाद आप यह देख पाएंगे कि आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के कई तरीके हैं। जैसे आप अपने बैंक ब्रांच जाकर आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा सकते हैं या नेट बैंकिंग के जरिए और अपने ATM मशीन के जरिए या चाहे तो आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए आसानी से आप अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के कुछ महत्वपूर्ण फायदे। अगर आपने अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है अभी तक तो जल्द से जल्द करवा लें ताकि आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय एवं सुझाव लिख सकते हैं और आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आप किन विषयों पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।